हूँ, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो जी हम इतना तैयार शहर हो गए, आज है बारात, बारात और वलीमा, तो उसके लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें दिखाएंगे हम आपको कि गांव की दुल्हन का मेकअप कैसे करते हैं और कैसी लगती है, तो सारी डिटेल। चलते हैं आप लोगों को शादी वाले घर दिखाते हैं। और हम तैयार हो चुके हैं, मैंने भी ये सूट पहना है और गर्मी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो आप लोगों ने बताना है कि पिछले जो शादी की वीडियोस दिखाई हैं आप लोगों को कैसी लगी, और उसमें से सबसे अच्छा सीन आप लोगों को कौन सा लगा। मैं तो बताऊँ, मुझे तो वो ढोल वाला सीन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो ढोल की आवाज़ थी ना बहुत मज़े की थी। तो चलते हैं, आज देखते हैं क्या रौनक लगती है, और दुल्हन के लिए भी ढेर सारी दुआएँ और दूल्हे के लिए भी। तो चलिए। अच्छा जी, मैंने चादर कर ली है, और वहाँ जाके ये करेंगे ना कि दुपट्टा कर लेंगे और चादर उतार देंगे। तो चलते हैं, पर्स भी उठा लेते हैं और ये मोबाइल भी उठा लेते हैं, और चलते हैं अपनी शादी वाले घर। दुल्हन का आई मेकअप हो रहा है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। अभी फाइनल होना है, और अभी ये ना बेस लगाई है, बेस सेट हुई है, और उसके बाद ना ये आई मेकअप है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के लिए पंखा चलाना पड़ता है, पंखे की वजह से ना वो ग्लू वगैरह ना लगने से पहले ही सूख जाती है। तो काफ़ी माहिर हैं जो लगाने वाले हैं ना, ऐसे तो हमसे लगनी ही नहीं थी ना कभी भी। अच्छा जी, ये ससुराल की तरफ से है, खास और खास जेवर है जो दुल्हन के लिए होता है और ट्रेडिशनल है। तो ये दुल्हन के गले में लग भी बहुत प्यारा रहा है। अच्छा, ट्रेडिशनल चीज़ का अपना एक खूबसूरती होती है, चाहे लाख आर्टिफिशियल पहन लें, कुछ कर लें। ये मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये दुल्हन सेट हो जाएगी ना, तो फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है उस रेड के साथ, तो इसने दो। अच्छा, सामान को खड़ी है।
अंदर आ गया, या नेक शेक का सिलसिला अंदर शुरू होगा। अच्छा जी, अंकल जी के साथ ना नेक का फैसला अंदर हुआ है, तो वो दे रहे हैं माशाल्लाह से। कितना दिया है? अब दे रहे हैं और भी देंगे। इतना देना है कि ना ना जा सके। हमने गिने से पहले दे दिया। और दे, और दे, ये इतना कम है। हाँ और दे, और दे, इतना छोटा सा, ऐसे ऐसे दांत वाला दे, ऐसे छोटा, ये जो है इससे छोटा। पूरे बाजी तो कहती है आज दूध लाए की रस्म हो रही है। हाँ वो नहीं मैं आने माशाल्लाह से। दूल्हा जो बड़ा कंफ्यूज है कि मेरे साथ होता क्या है। ये दूध है पिलाई के, अब हम इसका भी नहीं लेंगे ना। पहले आसान है शादी करना, विवाह हो पहले ले दे लो जो लेना है, ये लो पीने के बाद। कोई डर नहीं भाव सदीक मलदा चक सब खेड़ा संभालिया कुछ होंगे, संभालिया नाल बड़ा कुछ होंगे। अजन ताई मेन मंजी का आई नहीं लगी, नहीं तो पता मैं तेरे करना की है। सियाना ही कोई ना नांग हूं करे सी सू नहीं हेयर स्टाइल की बारी है, अब वो बन रहा है। ये ब्राइडल का बन है जो उसके दुपट्टे को टिकाता है, और ये फ्रंट स्टाइल बनेगा, और उसके बाद दुल्हन कंप्लीट हो जाएगी। बिंदी की लेंथ देखना जरा, काफी गोल में पड़ा था। हाँ वही आपने रखा है ना वो कहीं, मैंने सिखाया है कि गोल में देखो। बहुत प्यारी लग रही है इसको ये स्टाइल है। हाँ बहुत छोटे छोटे वो जेल शेल हो ना, जेल से फिर हो जाते हैं वो। खैर ये हवा की वजह से उड़े हैं, जब बैठेगी ना या तो हवा पीछे कर दो तो ये एक दफा टिक जाएंगे। ये देखो ना इसका कितना अच्छा आ रहा है। सही है, पिन दो जरा। हेयर कल हो रहे हैं, जो लिटे रह गई है ना वो कल कर रहे हैं। ये दुल्हन की चादर है। अच्छा जानू दुपट्टा सेट हो रहा है, दो में से बस ये देखो खाना में तो बस चल रहा है। ट्रायल ये दुपट्टा सेट हो रहा है, और ये देखिए ये सारा बाजी जैसे हो। हां कि बस काफी से
ਮੇਰਾ ਰਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਬੰਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ आसानी से और यहां आप तो चले बस ले यार उठी है चलो फिर बहुत प्यारी लग रही है। असल में ना मैचिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी गोल्डन ब्यूटी तो फिर ये जो दुपट्टा आप देखते हैं ना रेड के साथ ये मैचिंग होती है गोल्डन ज्वेलरी की और सिल्वर रहेगा। वैसे तो होना चाहिए था सिल्वर लेकिन अभी भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग बता रहे हैं दुल्हन का मेकअप कैसा लगा आप लोगों को तो बड़ी मेहनत से की है और बड़ा टाइम लगा है होता है तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। Thank you.